अगर लोगों के मन में डर नहीं आ रहा है देखिए घरों के भीतर की बात आप कह रही हैं ठीक है बाहर निकलती हैं अगर वो बातें और उसके बाद लोग देखते हैं कि ये सजा मिल रही है तो सजा एक डेटरेंट होता है अपराधी के मन में वो बात आनी चाहिए अगर आप देख रही हैं कि इस सब के बावजूद नहीं हो रहा है यानी उन्हें मालूम है कि अगर मेरा ये रसूख है तो मैं यहां से बच निकल सकता हूं क्या आप इस बात से इनसे इतफाक रख रही हैं बच निकलने वाला विषय इसलिए नहीं है जितने भी पिछले दिनों में आप आ, संख्या के साथ में इसको अगर देखें जितने केसेस रजिस्टर हुए उसमें से बड़ी संख्या में मैं कहूंगी कि अधिकांश लोग पकड़े गए और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसमें कानून का कोई रोल नहीं है इसमें पुलिस का रोल है होम डिपार्टमेंट का रोल है साथ में जुडिशरी का रोल है ये दोनों सेंसिटिव और एक्टिव नहीं होते तो उतने प्रोसिक्यूशन संभव नहीं थे एक मैं जुडिशरी की बात आपने की है इसलिए मुझे जो एक मामला सामने आया था जो रिकॉर्ड सात घंटों में जिसमें फैसला हुआ था एक तो सोच ये पूरे देश में रहती है और हर हर समाज में रहती है कि अगर तेजी से इस तरह के मामलों में न्याय मिलता है तो ये एक एग्जाम्पल बनता है।, है लेकिन उसी लिए नहीं समझ में आ रहा है ना आप कह रही हैं कि सबसे अधिक मामले यहीं निपट रहे हैं इतनी तेजी से मामले हो रहे हैं शिवराज सिंह चौहान ने कहा फास्ट ट्रैक हो फास्ट ट्रैक हुआ

कि जब महिलाओं के छोटी बच्चियों के रेप होंगे और प्रदेश के मंत्री बयान देंगे कि लड़कियां लक्ष्मण रेखा पार करेंगी तो रावण उठा के ले जाएंगे तो आप कैसे समझ सकते हैं कि कहीं कोई डर बैठेगा या रेप कम होंगे प्रदेश में इन पंद्रह साल में छियालीस हज़ार रेप रजिस्टर्ड रेप सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है मध्य प्रदेश सरकार को निर्भया का फंड सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को मिलता है और निर्भया फ्रंट रेप विक्टिम्स को कितना मिलता है साढ़े छः हजार रुपया बस छः हजार साढ़े छः भी नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश सरकार को जब मॉनिटर कर रही थी निर्भया फंड को सुप्रीम कोर्ट कि क्या मध्य प्रदेश सरकार रेप विक्टिम को भीख दे रही है छ हजार रुपये तो ये तो हालत है प्रदेश की आप पंद्रह साल में अगर रेप आपने बताया कितने फाइव हंड्रेड सम सम बढ़ा है तो वो अपने आप में दिखाता है कि, कि किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप किस पुलिस की बात कर रहे हैं जुडिशरी तो अपना काम कर रहा है जुडिशरी की तारीफ है कि उसने सात घंटे में कैपिटल पनिशमेंट दे दिया पर डर कहाँ है कोई डर नहीं है अब एम बे एम जे अकबर जी कहने को सांसद है यहां से उनपे नौ एक नहीं दो नहीं नौ महिलाएं अगर आरोप लगा रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट का और सरकार चुप्पी साधी रहेगी हमें याद आता है वो लाल किले का भाषण मोदी जी का जीरो टॉलरेंस रखने की बात कर रहे थे कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस इसे जीरो टॉलरेंस डिफाइन करेंगे इसे कहेंगे मी टू कैंपेन शुरू होने से पहले भी कुछ आरोप लगे अलग अलग नेताओं पर लेकिन यही चीज मैं जानना चाहती हूँ कि आरोपों पर देखिए अगर व्यक्तिगत तौर पर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो देश ना तंदूर घटना को है, किसी महिला के भुनाए जाने को ना सरला मिश्रा को है, और उन बातों पर इन पर्टिकुलर जिस व्यक्ति पर आरोप लगे सबसे पहला जवाब देने की जवाबदारी उस व्यक्ति की है एंड देन लेटर ऑन इट कम्स टू पीपल लाइक अस देना चाहिए मतलब उनकी चुप्पी से काम नहीं चलेगा

क्या 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 ये इस तरह के जब जवाब आएंगे तो आप कैसे क्राइम को कंट्रोल करेंगे आप महिला अत्याचार से कैसे लड़ेंगे जब एक एमपी एमपी और मिनिस्टर को बचाने के के लिए दूसरा बीजेपी का इस तरह के बयान देंगे तीसरी महिला नेत्री सुषमा स्वराज जी से जब पूछेंगे तो वो मुंह फेर के चली जाएंगी तो आप कैसे आप क्राइम को कंट्रोल करेंगे एक, 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 बीजेपी नेता मंत्री छोड़ दीजिए मैं एक महिला होने के नाते आपसे पूछना चाहती हूँ एक सवाल कि कई दफा आपको ऐसी छटपटाहट होती है जब कोई ऐसे बयान दे देता है जो आपको पसंद नहीं आते हैं इस तरह के जो महिलाओं को उनके आरोपों को कहीं पर संशय संदेह के घेरे में रखते हैं और वो कटघरा जो है कहीं पर के, समाज के लिए ना, बुरा है ना आ, अच्छी बात यह है कि अभी हमारे सामने कुछ बहनें भी बैठी हैं पर बड़ी संख्या में हमारे सामने महिलाएं नहीं बैठी पर मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि चाहे महिला हो चाहे कोई सज्जन पुरुष हो इसमें हम स्त्री और पुरुष के बीच में दुनिया को नहीं बांट सकते हम सज्जन और दुर्जन के बीच में दुनिया को बांट सकते हैं और कोई भी भला इंसान वो औरत हो या आदमी उसका दिल दहलता है जब महिला की गरिमा और सम्मान को चोट पहुंचती है आप एक राजनीतिक दल में मैं भी हूं और हम सबके लिए घर के अंदर की परेशानियां महिलाओं की एक प्रकार की है और घर के बाहर की दुनिया के चैलेंजेस हम सब के लिए आप जिस फील्ड में बड़ा भारी एक्सपोजर है एंड वी ऑल एक, एक पर्सन के तौर पर हमें अपने आप को इस संसार में जो कुछ इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल की सिचुएशन है अपने आप को गरिमा से कंडक्ट करना ये करने में हमें कई बार अपने बुद्धि युक्ति समझदारी सबको उपयोग करना पड़ता है और खासकर दिल को बहुत गहरी वेदना तब होती है जब घर जो औरत की सुरक्षा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेंट्रल पॉइंट है वहाँ अगर औरत सुरक्षित नहीं है तब कष्ट होता है और निश्चित तौर पर उस परिस्थिति में भी अगर कोई कर्त तर्क तर्क हो तो सहन नहीं होते